बिहार की मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बार फिर से एनकाउंटर किया है। और आपको बताते चले कि बिहार में लगातार एनकाउंटर जारी हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि बिहार में एक तरीके से योगी मॉडल लागू हो चुका है और दुर्दांत अपराधी जिस पर हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार जैसे दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं उसका मुजफ्फरपुर पुलिस ने एनकाउंटर किया है। आगे हम आपको एसएसपी साहब की भी बयान सुनाने वाले हैं कि आखिर एसएसपी साहब ने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर पुलिस ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उसके अनुसार बताया जा रहा कि मुजफ्फरपुर के पियर थाना अंतर्गत कुख्यात अपराधी मिथुन सहनी को 9mm पिस्टल, कारतूस एवं बाइक के साथ गिरफ्तार करने के लिए बिहार पुलिस जैसे ही जाती है पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं और वाहन जांच के दौरान भाग रहे कुख्यात अपराधी का पीछा करते समय पुलिस टीम पर वह फायरिंग करने लगता है, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस की नियंत्रित फायरिंग में उस अपराधी को भी गोली लग जाती है और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुए अपराधी का मुजफ्फरपुर के SKMCH में इलाज चल रहा है। और बताया जा रहा है कि उक्त अपराधी के विरुद्ध हत्या, लूट, डकैती, छिनतई, आर्म्स एक्ट जैसे कई दर्जन मामले दर्ज है। अब आगे आप एसएसपी साहब का बयान सुन लीजिए और आप लोग कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि क्या बिहार पुलिस ऐसे दुर्दांत अपराधियों का एनकाउंटर जो कर रही है क्या ये सही है अथवा गलत हो रहा है, या फिर बिहार में जिस प्रकार से हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार का लगातार दौर जारी है कि बिहार के पूर्व मंत्री यानी कि मुकेश सहनी के पिता की दुर्दांत अपराधियों ने कैसे चाकू से लाद फाद अतरी आ लीवर किडनी निकाल कर हत्या कर दी थी। और बताया तो यहाँ तक गया था कि मुकेश सहनी के पिता को 22 बार चाकू उनके शरीर में गहरे जख्म उनके पाए गए थे, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुलासा हुआ था। अब आगे आप डायरेक्ट एसएसपी साहब का बयान सुन लीजिए और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या बिहार में एनकाउंटर होना चाहिए, क्या अपराधियों को इसी तरीके से खदेड़ कर उनको गोली मार देनी चाहिए। आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। आगे आप एसएसपी महोदय का बयान सुनिए। कल पियर थाना क्षेत्र में हरपुर बांध चौक के पास में संध्या में 10:30 बजे के आसपास में थानाध्यक्ष के द्वारा अपनी टीम के साथ में बाइक चेकिंग की जा रही थी। उसी क्रम में सामने से एक बाइक पे दो लोग आए और जब थानाध्यक्ष के द्वारा उनको रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने रुकने की जगह पर गाड़ी को दौड़ाया, तो उसी संदेह के आधार पर इनके द्वारा उनका थोड़ा पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान में उनमें से उस बाइक से फायरिंग हुई। फायरिंग में जो थानाध्यक्ष की गश्ती गाड़ी थी, पेट्रोलिंग व्हीकल था, उस पर वो क्षतिग्रस्त हुई, तो इन्होंने भी अपने उसको चेतावनी देते हुए और आत्मरक्षार्थ बहुत ही कंट्रोल्ड वे में इनके द्वारा फायरिंग की गई। और फायरिंग करने के बाद में ही उनके द्वारा जो फायरिंग की जा रही थी वो रुकी, तो उसके बाद में फिर इन्होंने एरिया को कवर करते हुए, सैनिटाइज करते हुए और सर्च ऑपरेशन जारी किया। तो उसमें एक व्यक्ति जो क्षतिग्रस्त, जिसको चोट आई थी, जो इंजर्ड हुआ था, उसको पकड़ा गया। तो उस व्यक्ति का नाम मिथुन सैनी था और इसका ये पुराना अपराधी रहा है और इसका मुजफ्फरपुर ज़िले में अलग अलग जगह पर आपराधिक इतिहास है, जैसे अय्यापुर, सिवायपट्टी, मीनापुर और बाकी जगह पर भी इसका आपराधिक इतिहास है। पुराना क्रिमिनल रहा है, पहले भी इसने कई बार फायरिंग वगैरह की हुई है और फायरिंग के केस में, लूट के केस में, आर्म्स एक्ट के केस में, NDPS के केस में पहले जेल जा चुका है। इसके पास से हम लोगों को एक 9mm का पिस्टल मिला है, एक जिंदा कारतूस मिला है और जिस मोटरसाइकिल से भाग रहा था वो भी बिना नंबर की मोटरसाइकिल है, जो अभी तक हम मान के चल रहे हैं कि वो चोरी की या लूट की रही होगी, जिससे लोग अलग अलग घटनाएं कारित करते थे। डीलक्स गाड़ी थी और इसमें हम लोग अभी FIR करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।